कल देखिए बताए थे आप लोग को सेकेंड टाइप तक कल आपका क्लियर हो चुका था है ना। कल के क्लास में सेकेंड टाइप क्लियर हो गया था, आज बता रहे हैं आपका थर्ड टाइप। कितना टाइप? थर्ड टाइप आप आज बता रहे हैं, जिसमें से तीन क्वेश्चन है, इसमें से तीन क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, का क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आपका। चलिए देखिए, थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि साइन ए प्लस बी बराबर एक तथा कॉस ए माइनस बी बराबर एक, तो ए और बी का मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर एक, साइन ए प्लस बी बराबर एक, तो साइन ए प्लस बी एक, तो खोजना साइन में कितना डिग्री का मान एक होता है, तो साइन में 90 डिग्री का मान कितना होता है एक। तो इधर वाला जैसे था वैसे लिख दिए, इधर वाला जैसे था वैसे लिख दिए। अब एक, तो साइन एक की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है? एक होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं एक बराबर साइन 90 डिग्री। तो एक के जगह पे हम साइन 90 लिखे। अगला लाइन में क्या हुआ? ई साइन और ई साइन कैंसिल हो गया, ई साइन और ई साइन कैंसिल हो गया इस तरह से। तो बचा कौची ए प्लस बी, तो एने बचा कौची 90, ए प्लस बी एने बचा 90। तो इसी को क्या मान लिए हम, इसीलिए ए प्लस बी बराबर 90, तो इसको समीकरण एक मान लिए। चलिए देखिए फिर से यहां से यहां तक समझाते हैं, वही प्रोसेस नीचे भी है। कह रहा है दिया गया है, क्या दिया गया था? साइन ए प्लस बी बराबर एक, तो साइन ए प्लस बी बराबर एक, इधर जैसे था वैसे लिख दिए। अब एक, तो साइन में खोजेंगे, क्योंकि इधर साइन है तो साइन में खोजेंगे, इधर टेन रहता तो टेन में खोजते, अदर इधर कॉस रहता तो कॉस में खोजते, लेकिन कॉस ना साइन ना टेन कुछ भी नहीं है, मेरा साइन है तो साइन में खोजेंगे। तो साइन में एक कितना डिग्री का मान होता है? तो साइन में 90 डिग्री बराबर कितना होता एक, तय का साइन 90 बराबर कितना एक, तो एक के जगह पे हम साइन 90 लिखे। अगला लाइन में साइन से साइन क्या हो गया? कट गया, साइन से साइन कट गया, तो बचा ए प्लस बी, इधर लिख दिए, इधर साइन कट गया था 90 बचा। अब इसी को समीकरण एक मान लिए। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए बताते हैं पुनः, पुनः तब पुनः प्रश्न से पढ़ेंगे तथा। तो पुनः देखिए कॉस ए माइनस बी बराबर एक, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना कॉस ए माइनस बी बराबर एक, तो कॉस ए माइनस बी बराबर एक लिखे। अब देखिए इधर जैसे था वैसे लिख दिए। अब ये बताइए कि इधर कॉस है तो कॉस में खोजेंगे, तो कॉस में कितना डिग्री के मान एक होता है? तो कॉस में जीरो डिग्री के, कितना डिग्री के, यानी कॉस जीरो डिग्री बराबर कितना एक होता है। तो कॉस में खोजेंगे एक कितना का वैल्यू होता है, तो कॉस जीरो डिग्री बराबर एक, तो वह देखिए लिख दिए। अब अगला लाइन में कॉस और कॉस दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा, कॉस से कॉस काट देगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर जीरो डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है ना, ए माइनस बी बराबर जीरो डिग्री। इसीलिए इसीलिए ए माइनस बी बराबर जीरो समीकरण, इसको क्या मान लिए, दो मान लिए। देखिए यहाँ पर ही जो हम काटे हैं आप नहीं काटिएगा, आप सिर्फ क्या कीजिएगा नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि काटना नहीं चाहिए, हम तो काटें इसलिए कि आपको पता चले कि यहाँ से क्या हो गया है, हट गया है, इसलिए हम इसको काट के दिखाएं, आप नहीं काटिएगा सिर्फ नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए समीकरण इतना को सॉल्व किए तो एक निकला, इतना को सॉल्व किए तो दो निकला। अब समीकरण एक अजोड़ समीकरण दो से, समीकरण एक जोड़ समीकरण दो से, तो क्या नियम है, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। तो देखिए समीकरण एक का एलएचएस कितना है, समीकरण एक का ए प्लस बी, समीकरण एक का एलएचएस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखे जोड़ तो जोड़। अब समीकरण दो का एलएचएस, तो ये देखिए ए माइनस बी,
यानी समीकरण एक का LHS और समीकरण दो का LHS दोनों को क्या किए हम, जोड़ दिए, और समीकरण एक का RHS और समीकरण दो का RHS, समीकरण एक का RHS और दो का RHS तो 90 और जीरो। देखिए समीकरण एक का RHS जीरो है और समीकरण दो का RHS सॉरी समीकरण एक का 90 है और समीकरण दो का जीरो है, तो 90 और जीरो। अब देखिए ए प्लस बी तो लिख दिए, प्लस ए माइनस बी तो ए माइनस बी लिख दिए, है ना। देखिए फिर से लिखते हैं, ये बी है और ये क्या है बी। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। इधर 90 जोड़ जीरो तो 90, तो ए और ए तो 2a, ए और ए तो 2a, और इधर कितना 90, तो ए बराबर 90 बटा 2 कट जाएगा, तो कितना बार में 45 बार में, इसलिए ए का वैल्यू कितना 45 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या कि समीकरण एक का LHS और समीकरण दो का LHS, एक का LHS और दो का LHS जोड़े दोनों, क्योंकि यहाँ जोड़ किए थे ना इसलिए जोड़े, आ समीकरण एक का RHS और समीकरण दो का RHS, तो समीकरण एक का RHS 90 और दो का RHS 0, 90 और 0 को जोड़े। अब देखिए a प्लस बी और प्लस ए माइनस बी, प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया दोनों, तो a जोड़ a तो 2a बराबर 90, a बराबर तो 90 बटा 2 कट जाएगा तो 45, इससे हमको a का वैल्यू निकल गया। अब देखिए निकालते हैं b का वैल्यू, तो क्या प्रोसेस है निकालने का, तो समीकरण एक में या समीकरण दो में किसी में भी मान रख सकते हैं ना, तो हम समीकरण एक में से रख के निकालते हैं, तो समीकरण एक में a का मान रखने पे, समीकरण एक में किस में, इसमें मान रखते हैं, समीकरण एक में a का मान रखने पे, तो देखिए समीकरण एक ये है ना, है a प्लस बी बराबर 90, तो देखिए a प्लस बी बराबर हम क्या किए इसको 90 लिखें, समीकरण एक में तो a प्लस बी बराबर 90, तो a के जगह पे हम 45 रख दिए, प्लस तो प्लस, बी तो बी, जैसे था उसे उतार दिए, बस a के जगह पे हम 45 रख दिए, प्लस बी बराबर में 90, तो ए बी बराबर 90, ई प्लस में ई सट गया था माइनस में, बराबर के दूसरे तरफ जाता तो चिन्ह बदल जाता है, तो बी बराबर 90, ई प्लस में नहीं गया था माइनस में, तो बी बराबर 90 में से 45 गया था 45, 90 में से 45 गया था 45, अतः ए बराबर 45 यहाँ से और बी बराबर 45, यानी ए का वैल्यू भी 45 आ गया और बी का वैल्यू भी क्या गया 45 आ गया, ठीक है। अब बताते हैं इसका अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला बता दिए और तीसरा बता रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट तीन तथा टेन ए माइनस बी बराबर एक बटा रूट थ्री, ए प्लस बी बराबर रूट थ्री टेन में, ए माइनस बी बराबर रूट थ्री वन बाई रूट थ्री टेन में, तो ए और बी का मान हमसे पूछ रहा है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, चूंकि दिया गया है टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, या देखिए लिखे ये बोला टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, इसमें बड़ो तो खत्म हो गया, टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, तो देखेंगे टेन में खोजेंगे, क्योंकि इधर टेन है तो टेन में खोजेंगे, रूट थ्री कितना डिग्री का मान होता है, तो टेन में रूट थ्री 60 डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का, टेन 60 डिग्री बराबर कितना रूट थ्री, टेन 60 डिग्री बराबर रूट थ्री होता है, तो टेन में 60 डिग्री, बस यहाँ पर किए रूट थ्री की जगह पे टेन 60 लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि टेन 60 बराबर भी रूट थ्री ही होता है, यहाँ पर लिखे इधर जैसे था उसे लिख दिए, थ्री की जगह पे हम टेन 60 लिखे, क्योंकि टेन 60 का वैल्यू रूट थ्री होता। अब अगला लाइन में क्या किए, इधर भी टेन और इधर भी टेन, तो किए क्या हम दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गया, आप नहीं कीजिएगा इसे, आप सिर्फ अंडरलाइन ऐसे कर दीजिएगा, या देखिए ये वाला कर दीजिएगा, समझ जाएगा जो चेक करेगा कि कटा हुआ है, हम तो इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपको पता चले कि टेन कहाँ गया, कट गया, इसलिए हम करके दिखा देते हैं, ए प्लस बी इधर टेन खत्म हो गया तो 60 बचा, इसीलिए ए प्लस बी बराबर
साठ है डिग्री, ए प्लस बी बराबर साठ हो जाता है, डिग्री में बोली जो बोलिए ए प्लस बी साठ, ए प्लस बी बराबर साठ, तो इधर कितना आ गया डिग्री, ए प्लस बी बराबर साठ है डिग्री, इसको समीकरण एक मान ली। पूछ रहे था टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री था, इधर जैसे था उसे लिख दिए, रूट थ्री के जगह पे हम टेन साठ लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि टेन साठ का भी वैल्यू रूट थ्री होता है। अब अगला लाइन में टेन से टेन कट गया तो ए प्लस बी बचा, इधर साठ डिग्री बचा, इसलिए ए प्लस बी बराबर साठ डिग्री, इसको समीकरण एक मान लिए। अब पुनः चलते हैं कहाँ से, प्रश्न से, तो आगे कह रहा है कि टेन ए माइनस बी बराबर वन बाय रूट थ्री, तो इधर जैसे था उसे लिख दिए। अब वन बाय रूट थ्री कितना डिग्री का मान होता है टेन में, तो टेन में तीस डिग्री का मान होता है वन बाय रूट थ्री, इसी चीज को लिख देते हैं टेन तीस इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, ये मेरा कितना डिग्री का वैल्यू होता है टेन में, तीस डिग्री का वैल्यू होता कितना वन बाय रूट थ्री। चलिए देखिए, तो इधर जैसे था उसे लिख दिए, बस किए क्या हम कि वन बाय रूट थ्री के जगह पे हम क्या किए टेन तीस लिखे, और देखिए टेन से टेन समाप्त, आप नहीं समाप्त कीजिएगा ना, तो आपको समाप्त कर देगा फिर, तो टेन से टेन कट गया, बस आप नीचे वाला अंडरलाइन कर दीजिएगा, हम इसलिए करते हैं कि वो कट जाए। तो देखिए टेन से टेन कट गया, तो इधर ए माइनस बी, इधर कौन सी बचा तीस बचा, क्या बचा तीस बचा, तो इधर ए माइनस बी इधर तीस बचा। अब इसी चीज को क्या किए हम, समीकरण कितना मान लिए हम, समीकरण दो मान लिए, समीकरण एक और समीकरण